अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, लेकिन चैप्टर रहेगा हमारा बिल्कुल सेम। चैप्टर का नेम था लुकिंग अप अ डिक्शनरी। उसके सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ था। फर्स्ट है इसका, ऑन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी वुड यू वियर ग्लव्स, मतलब कि आप अपनी बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर ग्लव्स मीन्स होते हैं दस्ताने वो पहनते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हैंड। कहाँ पर पहनते हो आप? हाथों में पहनते हो, HAND। सेकेंड है विच काइंड ऑफ एनिमल इज़ एन आइबिस, ये मतलब कि किस टाइप का होता है? तो आपको ये बताना है एक्वेटिक, AQUATIC। बिल्कुल कर्व टाइप में होता है ये, आप लगा सकते हो इसको बगुला टाइप, बगुला होता है जो कर्व में। थर्ड है विच कलर इज एन एमेथिस्ट, इसका मतलब होता क्या है? नीलम, जो हम पहनते ना, जैसे ये वाला है ये नीलम। नीलम का इसने कलर पूछा है कि वो कैसा दिखाई देता है जब हम मोती बनवाते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग रिंग के अंदर, तो उसका कलर होता है हमारा पर्पल, PURPLE। आप रेडिश भी कह सकते हो कि रेडिश पर्पल, उसके अंदर थोड़ी सी लालिमा होती है, लेकिन ये नीलम है तो वो रेडिश का ये लगाना चाहते हैं कहीं नहीं, वो अपनी मर्जी से आप देख सकते हो। फोर्थ में है व्हाट डज एन ओक्यूलरिस्ट, इसका मतलब होता है जो उनसे नेत्र रोग के विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारी आँखों को ठीक करने के जो होते हैं ना विशेषज्ञ, उनका तो क्या काम होता है? ये हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल आइज, आर्टिफिशियल आइज वो बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच आइटम इज फाउंड एट ए मिलीनियर्स, यहाँ पर कौन सा आइटम हमको प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वुमेन्स हेड्स, मतलब कि उनके सिर के ऊपर जो टोपी डालते हैं ना, एक तो नॉर्मल होती है वो नहीं, जो धूप से बचने के लिए वो किनारी भी दी होती है वो वाली। लास्ट हो जाएगा विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ सिबलिंग, सिबलिंग के टाइप बताने हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको पता होना चाहिए कि सिबलिंग किसको कहते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं ना तो पूछा जाता है कि आपके सिबलिंग। तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है आपका ब्रदर, फादर, ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ब्रदर। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट में रहेगा हैंड, सेकंड है एक्वेटिक, थर्ड रहेगा पर्पल कलर, और फोर्थ में हो जाएगा आर्टिफिशियल आइज, फिफ्थ में है वुमेन हेड्स, और लास्ट हो जाएगा ब्रदर। थैंक यू।